हम अपडेट आपको दे रहे हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी। गोरों का शाहीनों पर बैटिंग चार्ज, शाहीन को खातिर मिलाए ना हारिस रऊफ की वापसी का लिहाज किया। शादाब खान की भी खूब दुर्गत बनाई। 184 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स के हाथ पांव फूल गए। आपको बता रहे हैं, शाहीन को खातिर मिलाए ना ही हारिस रऊफ की वापसी का लिहाज किया। शादाब खान की भी खूब दुर्गत बनाई। 184 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स के हाथ पांव फूल गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी। आपको बता रहे हैं, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी है। अहम अपडेट आपको दें, गोरों का शाहीनों पर बैटिंग चार्ज, शाहीन को खातिर मिलाए ना हारिस रऊफ की वापसी का लिहाज किया। शादाब खान की भी खूब दुर्गत बनाई। 184 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स के हाथ पाँव फूल गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी है। गोरों का शाहीनों पर बैटिंग चार्ज, शाहीन को खातिर मिलाए ना ही हारिस रऊफ की वापसी का लिहाज किया। हम अपडेट आपको दे रहे हैं, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी। गोरों का शाहीनों पर बैटिंग चार्ज, शाहीन को खातिर मिलाए ना हारिस रऊफ की वापसी का लिहाज किया। शादाब खान की भी खूब दुर्गत बनाई। 184 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स के हाथ पांव फूल गए। आपको बता रहे हैं, शाहीन को खातिर मिलाए ना ही हारिस रऊफ की वापसी का लिहाज किया। शादाब खान की भी खूब दुर्गत बनाई। 184 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स के हाथ पांव फूल गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी। आपको बता रहे हैं, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी है। अहम अपडेट आपको दें, गोरों का शाहीनों पर बैटिंग चार्ज, शाहीन को खातिर मिलाए ना हारिस रऊफ की वापसी का लिहाज किया। शादाब खान की भी खूब दुर्गत बनाई। 184 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स के हाथ पांव फूल गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी है। गोरों का शाहीनों पर बैटिंग चार्ज, शाहीन को खातिर मिलाए ना ही हारिस रऊफ की वापसी का लिहाज किया।